समस्तीपुर सराय रंजन हिटी। दुष्कर्म का प्रयास करने पर एक महिला नर्स ने डॉक्टर का प्राइवेट पार्ट काट दिया। यह घटना बुधवार रात मुसरी घरारी थाना अंतर्गत गंगापुर पंचायत के तेलिया पोखर स्थित आरबीएफ हेल्थ सेंटर में हुई। जानकारी के अनुसार फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर और उसके दो साथी ने नर्सिंग होम में शराब पीने के बाद नर्स को बुलाया और दुष्कर्म की कोशिश की। पहले नर्स ने सभी को इस तरह की हरकत करने से मना किया, लेकिन वे नहीं माने, जिसके बाद नर्स ने अपनी रक्षा के लिए ऑपरेशन करने वाले ब्लेड से डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया, जिससे डॉक्टर जख्मी हो गया। इसके बाद नर्स वहां से भागी, जिसका डॉक्टर के साथियों ने उसे पकड़ने के लिए पीछा किया। पीड़िता एक जनेरा के खेत में छिप गई, जिसकी सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम पहुंची और पीड़िता को खेत से बाहर निकाला। इस संबंध में एएसपी संजय कुमार पांडे ने बताया कि पीड़िता ने पूछताछ में आपबीती सुनाई। उसके बाद एएसपी के आदेश पर मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई, जो त्वरित कार्रवाई में जुट गई है। उन्होंने बताया कि पीड़िता उस निजी अस्पताल में 14-15 महीने से काम कर रही थी। अस्पताल भी बन ही रहा था, लेकिन उसमें इलाज किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि जांच में पाया गया कि घटना के समय अस्पताल का सीसीटीवी बंद कर दिया गया था, जिससे पता चलता है कि डॉक्टर दस वी उसके दोनों साथियों ने घटना को अंजाम देने की पहले से ही साजिश रची थी। उन्होंने बताया कि अस्पताल से खून लगे कपड़े और एक कार व शराब की बोतल के अलावा तीनों के मोबाइल बरामद की गई है। मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें तेघड़ा निवासी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर संजय कुमार, वैशाली जिला के बलिगांव थाना के दीधा, फतेहपुर सुनील गुप्ता और बंगरा थाना के बाजिदपुर सरसौना निवासी अवधेश कुमार शामिल है। उन्होंने बताया कि जिस ब्लेड से डॉक्टर का प्राइवेट पार्ट काटा गया, उसे भी बरामद किया है। एएसपी ने बताया कि पीड़िता वहां से नहीं भागती तो उसके साथ अनहोनी हो सकती है। महिला जो स्टाफ थी उसके साथ रात में, जिसमें तथाकथित डॉक्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट है और इलाज भी करते हैं, और इनके दो और साथी थे, ये तीनों मिलकर के शराब पी रहे थे। इसी क्रम में एक महिला को बुलाए जो स्टाफ थी, और उसके बाद इसको एक अप्रिय घटना करने के लिए प्रयास किए। इस प्रयास के क्रम में स्टाफ के द्वारा बचाव करने की पूरी कोशिश की गई और बताने की भी कोशिश की कि गलत है। उसके बावजूद भी डॉक्टर के द्वारा अप्रिय घटना करने के प्रयास के दौरान ही जब उसको नहीं हुआ, तो उसको उन्होंने ब्लेड के अपने हाथ में लिए, ब्लेड से प्रतिरक्षा के रूप में या बचाव के रूप में डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर प्रहार की, जिसके बाद उसको छोड़ दिया गया। उसके साथ तो कोई अप्रिय घटना नहीं घट पाई, लेकिन इसी क्रम में जो मेन गेट का ताला बंद था, तो ताला को चाबी लेकर के खोल करके भागी, जिसके क्रम में इनके दो जो अन्य दोस्त थे उसका पीछा किए, और पीछा करने के क्रम में ही वो जनेर के खेत में गई और 112 के माध्यम से सूचित की गई। इस अनुसंधान के क्रम में इन तीनों व्यक्ति को गिरफ्तार करके पूछताछ की गई और घटना को सत्य पाया गया, तो सत्य पाने के पश्चात इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक ऑल्टो कार बरामद की गई है। पीड़िता द्वारा जिस ब्लेड से प्रहार किया गया था, उस ब्लेड को जब्त किया गया है। ये शराब जो एक आधा बोतल शराब भी बरामद किया गया है, जिसमें अलग से कांड दर्ज किया जा रहा है। और जो जख्मी थे उनका इलाज भी कराया गया है, और वहां से कपड़े बरामद किए गए हैं, खून लगे कपड़े, बेडशीट और जो लुंगी था और जो पैंट था वो जब्त किया गया है। तीनों का मोबाइल जब्त किया गया है। इसी क्रम में घटना के पूर्व ऐसी बात आ रही है कि सीसीटीवी को ऑफ कर दिए थे लोग, यानी इनको अपराध की घटना करने का पूरी एक योजना थी और इस योजना के तहत ये काम कर रहे थे। तो इस प्रकार अनुसंधान के क्रम में सभी साक्ष्य जो है अभियोजन के हित में प्राप्त हुए हैं, और त्वरित रूप से इस घटना का
में चार्जशीट दे करके और सजा की प्रक्रिया में हम लोग काम करेंगे। डॉक्टर तीन आदमी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें जो डॉक्टर है उनका नाम है संजय कुमार, जो ये तेघड़ा के रहने वाले हैं लेकिन यहाँ पर अभी हेल्थ केयर सेंटर बना रहे थे। दूसरा सुनील कुमार गुप्ता है और तीसरा अवधेश कुमार, इन तीनों से भी पूछताछ की गई है और घटना में इनकी संलिप्तता भी पाई गई, क्योंकि ये बाद में फिर से लड़की को इसका अप्रिय घटना करने के लिए काफी खोजबीन किए, लेकिन लड़की जो छुप गई या त्वरित रूप से पुलिस पहुंच गई, इसलिए ये घटना बड़ी घटना अप्रिय घटना से बचाव।